गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश का पूजन पौराणिक विधि से किया जाए तो अति उत्तम होता है। जानिए इसकी विधि, मंत्र और षोडश उपचार पूजन विधि। पहले आचमन करें। आचमन करते समय ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः का जप करें। ये कहकर हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें और ओम ऋषि केशाय नमः कहकर हाथ धो लें। इसके बाद प्राणायाम करें एवं शरीर शुद्धि निम्न मंत्र से करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्ववस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इसमें आपको कुछ सावधानियां रखने की भी जरूरत होगी। गणेश जी के स्थान के उल्टे हाथ की तरफ जल से भरा हुआ कलश चावल या गेहूं के ऊपर स्थापित करें। धूप व अगरबत्ती लगाएं, कलश के मुख पर मौली बांधें एवं आम पत्र के साथ नारियल उसके मुख पर रखें। नारियल की जटाएं सदैव ऊपर रहनी चाहिए। घी एवं चंदन को तांबे के कलश में नहीं रखना चाहिए। गणेश जी के स्थान के सीधे हाथ की तरफ घी का दीपक एवं दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए। सुपारी गणेश भी रखें। पूजन के प्रारंभ में हाथ में अक्षत, जल एवं पुष्प लेकर स्वस्तिक वाचन, गणेश ध्यान एवं समस्त देवताओं का स्मरण करें। अब अक्षत एवं पुष्प चौकी पर समर्पित करें। इसके पश्चात एक सुपारी में मौली लपेटकर चौके पर थोड़े से अक्षत रखकर उस पर वो सुपारी स्थापित करें। भगवान गणेश का आह्वान करें। गणेश आह्वान के बाद कलश पूजन करें। कलश उत्तर पूर्व दिशा या चौकी की बाईं ओर स्थापित करें। कलश पूजन के बाद दीप पूजन करें। इसके बाद पंचोपचार या षोडश उपचार द्वारा गणेश पूजन करें। परंपरा के अनुसार पूजन करें और आरती करें। 10 दिन तक नियमित समय पर आरती करें। अपनी सुविधा के अनुसार समय को घटाएं या बढ़ाएं नहीं। गणेश जी प्रतीक्षा करना कतई पसंद नहीं करते। उन्हें समय पर प्रसाद और आरती से प्रसन्न करें। षोडश उपचार पूजन के लिए आवश्यक चीजों के बारे में जरूर जान लें। पहला है आह्वान, दूसरा है आसन अर्थात स्थान ग्रहण कराएं, तीसरा है पात्य, हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ते हुए प्रभु के चरणों में अर्पित करें, चौथा है अर्ध्य, चंद्रमा को अर्ध्य देने की तरफ पानी छोड़ें, पांचवा है आचमनीय, मंत्र पढ़ते हुए 3 बार जल छोड़ें, छठा है स्नान, पान के पत्ते या दुर्वा से पानी लेकर छींटे मारें, सप्तम है वस्त्र, सिले सिलाए वस्त्र, पीताम्बरी कपड़ा या कलावा, अष्टम है यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, नवम है आभूषण यानी हार मालाएं पगड़ी आदि, और दशम है गंध यानी इत्र छिड़के या चंदन अर्पित करें, 11वां है पुष्प, 12वां धूप, 13वां दीप, 14वां नैवेद्य, पान के पत्ते पर फल मिठाई मेवे आदि रखें, 15वां है तांबूल यानी पान चढ़ाएं, और 16वां यानी प्रदक्षिणा व पुष्पांजलि।